बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन से जुड़े स्कूलों का रविवार को पटना में एक दिवसीय वर्कशॉप हुआ। वर्कशॉप के दौरान राइट टू एजुकेशन एक्ट, ई संबंधन और स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। वर्कशॉप में बोर्ड से जुड़े बिहार के कई स्कूलों के हेड ने शिरकत की। वर्कशॉप को जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार लोक संवाद .net से बातचीत करते हुए बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन बिहार के डायरेक्टर डॉक्टर इशाद हुसैन ने वर्कशॉप के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। एक मकसद तो ये है कि स्कूलों को उनकी जवाबदेही का एहसास कराया जाए। जिस अजीम मकसद से ये काम कर रहे हैं, नई नस्ल की तामीर का, उस अजीम मकसद की याद दहानी कराई जाए। दूसरी चीज़ कि इस वक्त हुकूमत बिहार की जानिब से ई संबंधन राइट टू एजुकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए चलाया जा रहा है, जिसके लिए आखिरी तारीख बढ़ाई भी गई है। लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि बहुत सारे इदारों की तैयारी कागजात की सतह पर नहीं हो पाई है, लिहाजा उसकी तैयारी के लिए, उनकी पूरी रहनुमाई के लिए आज का ये वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें कि हम उनके तमाम कागजात की के नमूने के तौर पर भी उनकी रहनुमाई करेंगे, और अगर उसमें किसी तरह की दुश्वारी है तो वो हल कैसे होगा इसकी भी रहनुमाई करेंगे। इसमें तकरीबन पूरे बिहार के इलाके से, इसमें बेतिया से, उसके बाद नवादा से, उसके बाद हैदरगंज कराह, उसके बाद हिसुआ, उसके बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, कटिहार, गोया के तकरीबन बिहार के बेशतर अजला से इसमें लोग शरीक हुए हैं। बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन एक अदारा है, तालीमी अदारा है, जो तालीम के सिलेबस और तालीम के मियाद की बेहतरी के लिए काम करता है। बहुत सारे प्राइवेट अदारे इससे वाबस्ता हैं और अपने वाबस्ता होकर इनके अपने अंदर मियाद तालीम को बुलंद करने का मौका हासिल करते हैं, और बोर्ड इनके लिए हम जहत तरक्की, इनके मियाद तालीम, इन तमाम पहलुओं पर कोशिश करती है, उनके फ़रोग के लिए ताउन करती है। इस वक्त बिहार में 29 तालीमी अदारे इससे वाबस्ता हैं। लड़के भी तालीम हासिल कर रहे हैं और लड़कियाँ भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये आम तौर पर सेकेंडरी तक इदारा ये चल रहा है, इदारे चला रहे हैं, ज़्यादातर 7th 8th, और बहुत कुछ इदारे ऐसे हैं जो बोर्ड तक 10th तक तालीम दे रहे हैं बच्चों को। BIE बिहार के कोऑर्डिनेटर खालिद सैफुल्ला ने कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ बच्चों तक पहुंचाने के लिए स्कूलों को मुस्तैद रहना चाहिए। देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी के लिए मुख्तस किया है, इसका फ़ायदा बच्चों को जब ही पहुंच सकता है जब इंस्टीट्यूट खुद उसमें दिलचस्पी ले, इसलिए कि उसमें सबसे पहला जो मामला है वो ये है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल पहले लॉन्च किया, उस पर इदारे का रजिस्टर्ड होना लाजमी है, जो UDISE कोड के ज़रिए रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस से जा करके कंसल्ट करके उनके एक दरख्वास्त देनी पड़ती है कि आप हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें जब उनको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है, तो अब वो फर्स्ट टाइम पहले तो वो इंस्टीट्यूट लॉगिन में जा करके पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। उसमें एक प्रोफाइल आता है, जिस प्रोफाइल में स्कूल का नाम, उसके एस्टेब्लिशमेंट, उसमें बच्चों की तादाद, उसमें प्रिंसिपल का नाम और नोडल इंस्टीट्यूट ऑफिसर NIO, ये तमाम तफसीलात उसमें फिलअप करके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ जा करके फिर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में स्कूल के उस नोडल ऑफिसर को KYC अप्रूव कराना पड़ता है। इस प्रोसेस के बाद तब वो पोर्टल के उसी से पर आ जाता है जहां बच्चे स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, तो उनको इंस्टीट्यूट लिस्ट में नाम उनको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एक मरहला बाकी है कि उसके बाद का मरहला ये है कि इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर या प्रिंसिपल पोर्टल पर एक प्रोफाइल होता है, फी स्ट्रक्चर प्रोफाइल, उस प्रोफाइल को जा करके वो फिलअप करें, उसके बाद तब बच्चों का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाता है। ये एक मरहला है। दूसरा मरहला ये है कि बच्चे फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म को वेरीफाई करा करके फिर उनको अपलोड करना पड़ता है, ये बच्चे को करने का काम है। इसके बाद अगला मरहला ये है कि उन बच्चों को साथ में अपने फॉर्म के आवासीय प्रमाण पत्र जो रेसिडेंशियल कहलाता है, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ गार्डियन, फादर, मदर या अदर,
उनका 1 लाख रुपीज़ से कम होना मस्ट है। 1 लाख रुपये से अगर ज़्यादा होगा तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वो बैंक अकाउंट, ये तमाम आधार कार्ड, ये तमाम डॉक्यूमेंट कागजात स्कूल में जमा करने पड़ते हैं। अब वहाँ से स्कूल की जिम्मेदारी ये शुरू होती है कि वो ऑनलाइन वेरीफाई करें। पहले 2 साल कबल तक तो सिर्फ ऑनलाइन वेरीफिकेशन पर स्कॉलरशिप पास हो जाया करता था, लेकिन गुज़श्ते साल पोर्टल ने, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस को और DM को ये निर्देश दिया कि तमाम स्कूलों से हार्ड कॉपी मंगा करके उनको चेकआउट किया जाए और उनकी उनका वेरिफिकेशन किया जाए। हुआ यूँ कि बहुत सारे स्कूल जो कागजात स्कूल जो कागज़ पर ही थे, ज़मीन पर नहीं थे, और उनके में बच्चों ने अप्लाई कर दिया और लाखों लाख रुपये बच्चों ने उठा लिए। तो गवर्नमेंट बहरहाल मजबूर होकर के ये फैसला की, तो गुज़श्ते साल से तमाम तरह डॉक्यूमेंट को ले जा करके डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस में हार्ड कॉपी, उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ही जा करके उसको वेरीफाई कराना होता है। उसके बाद वो अपना गवर्नमेंट पोर्टल जो है अपना प्रोसेस शुरू करता है और बच्चों के अकाउंट में मार्च के महीने में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इस स्कॉलरशिप स्कीम में बच्चों को क्लास 1 से क्लास 10 तक कई स्कॉलरशिप है। क्लास 1 से 5 के बच्चों को 1,000 रुपया गवर्नमेंट देती है एक वन टाइम, और 6 से ऑनवर्ड्स 10 तक 5,700 रुपीज़ पर एनम मिलते हैं बच्चों को। ये बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, स्कूल का कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई बदनवानी की गुंजाइश नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं होंगे या रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया या यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं लिया, तो उसके लिए एक शिकायत DM तक करनी चाहिए, ताकि DM अगर उनकी शिकायत पर, रिटन शिकायत पर अगर गौर करेंगे और वो इनिशिएट लेंगे, तो स्कूल वाले फिर मजबूर होंगे इस चीज़ को करने पर। बच्चों के गार्जियन का कोई अहम रोल नहीं है, वो बच्चों के गार्जियन का रोल डॉक्यूमेंट तैयार कराने के सिलसिले में। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों का करियर संवारने में इस तरह के वर्कशॉप्स कारगर साबित होंगे। बिहार लोक संवाद .net के लिए सैयद जावेद हसन, पटना।